हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनिक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं सब बेस सीरम मिथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एंग्री या फिर ग्रिडी बेस को क्रिएट कर सकते हो सीरम में। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करा है सो कार्ट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो एक बारी मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास है लीड साउंड जो कि पहले मैं बना चुका हूँ, देन लास्ट वीडियो में हमने बनाया था बेस साउंड। सो दोनों को कंबाइन करके एक बारी सुनते हैं। तो आप सुन सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लोअर जो रीजन है, लोअर फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो उतनी पावरफुल नहीं है। सो आज हम क्रिएट करेंगे सब बेस। सो इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट एंड यहाँ पे मैं रीनेम कर दूंगा सब। सो गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेस क्रिएट करना बताया था तो सब तो आप वहाँ पर भी क्रिएट कर सकते थे, सो आज ये सेपरेट वीडियो क्यों? सो यहाँ पे इसका रीज़न ये है, जब आप सब बेस का एक अलग से प्रीसेट क्रिएट करते हो सो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा कस्टमाइज के, ज़्यादा मिक्सिंग के ऑप्शंस होते हैं अपनी साउंड को पावरफुल बनाने के लिए। सो यहाँ पे अभी मैं आपको करके बताता हूँ। सो ये है सब, यहाँ से हम इसका EQ रिमूव कर देते हैं बिकॉज हमें इस टाइप का EQ नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ सीरम को। सो यहाँ पर मैं इनिशियलाइज प्रीसेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें जाना है ऑसिलेटर पे, एनालॉग, बेसिक शेप्स। यहाँ पे साइन वेव है सो साइन वेव ही हमें चाहिए। देन उसके बाद हम इसको कर देंगे ऑक्टेव -3 और इसको एक बारी सुनते हैं। मैं इसको सोलो कर लेता हूँ। अगर आप अपने मोबाइल स्पीकर्स पे इसको सुन रहे हैं सो आपको सुनाई नहीं देगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स यूज़ कर लीजिए। सो यहाँ पे जैसा कि आप सुन सकते हैं हमें सब की जो साउंड है वो मिल रही है। अब यहाँ पे एनवलप के साथ थोड़ा सा हमें प्ले करना है। एंड अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आती है, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि आपकी जो सब बेस होती है उसमें क्लिक्स आते हैं, सो वो एनवलप का ही कमाल होता है। अटैक, होल्ड, डिके, सस्टेन, रिलीज। मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो सो आप इन चीज़ों को करो, अगर आप सीरम यूज़ कर रहे हो सो आप ग्राफिकली करो, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एंड ज़्यादा इजी रहेगा सीखने के लिए। सो यहाँ से इसको करते हैं थोड़ा सा कम और अब सुनते हैं। सो आप सुन सकते हो ये क्लिक की साउंड आ रही है स्टार्टिंग में। इस क्लिक की साउंड को अगर हम और बढ़ाएं सो यहाँ पे अटैक मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, अब सुनते हैं। सो आप सुन सकते हो क्लिक की जो साउंड है वो ज़्यादा बढ़ गई है। सो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अटैक को हम ऐड करेंगे सो दैट वो जो क्लिक की साउंड है वो हमारे पास से चली जाए, हमारे साउंड से चली जाए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अटैक ऐड करा है और वो क्लिक की साउंड चली गई है। थोड़ा सा रिलीज ऐड करके देखते हैं सो दैट वो एक अच्छे से फेड आउट हो जाए। सो जैसा कि आप सुन सकते हो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक क्रिस्प एंड क्लियर सब बेस क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट्स का भी हम यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं डिस्टॉर्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा डायोड 2 एंड यहाँ पे मेरे को लोअर रीजन पे ही चाहिए सिर्फ। अब एक बारी सुनते हैं। सो इतना परफेक्ट है। साथ में मैं यहाँ पे यूज करूंगा कंप्रेसर एंड यहाँ पे थोड़ा सा गेन ऐड कर दूंगा। परफेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारा सब बेस का प्रीसेट है वो क्रिएट हो चुका है। सो इसको करते हैं क्लोज एंड यहाँ पे अब इसको प्ले करते हैं एंड यहाँ पे EQ कर लेते हैं थोड़ा सा सो दैट इसमें जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं सिर्फ वो ही रहे। सो यहां पे ये हो गया है EQ। अब सुनते हैं तीनों लेयर्स। सब बेस की साउंड काफी ज्यादा है सो उसको कर देंगे थोड़ा सा कम।
सो अब आपको ज़्यादा डिफरेंट शायद नहीं पता चला है, सो मैं एक बारी इसको प्ले करता हूँ एंड बीच में इसको मैं म्यूट करूँगा सो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे है विदाउट सब बेस, ये है सिर्फ सब बेस, एंड यहाँ पे बेस एंड सब बेस साथ में है, एंड यहाँ पे लीड साउंड। सब बेस ऑफ, बेस म्यूट, सो जैसा कि आपने सुना यहाँ पे तीनों लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, हाई मिड लो, आप इनको इस सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे जो सब बेस है उसको अलग से क्रिएट करने में आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, आप अपने सब बेस पे ज़्यादा इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सब बेस बेस में ही क्रिएट करता सो यहाँ पे मैं अलग से इसको फिल्टर नहीं कर पाता, यहाँ पे और भी इसको अग्रेसिव नहीं बना पाता। सो यहाँ पे इसका यही मीनिंग है, यही इसका तरीका है कि आप अलग से सब बेस का एक प्रीसेट क्रिएट करो एंड उसके बाद अपने साउंड के साथ उसको लेयर करो सो दैट आपका जो ट्रैक है वो ज्यादा पावरफुल सुनाई दे। सो गाइस सब बेस क्रिएट करना तो चुटकियों का खेल था, मिनटों का खेल था, आप किसी भी प्लगइन में बना सकते हो। फिलहाल आज के वीडियो में हमने सीरम को लिया था, आगे जाके और भी प्लगइन्स पे मैं ये चीज यूज करने वाला हूँ एंड अगर आप देख सकते हो तो ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और प्लगइन है, कोई सिंथ प्लगइन है सो यूज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये जो प्रीसेट है ये काफ़ी छोटा तो आपको लग रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि थोड़े से एलिमेंट्स के साथ ही सब बेस को अगर आप मिलाते हो तो आपकी साउंड क्या से क्या हो जाती है देखते देखते। सो गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, प्लस ये वीडियो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ सो देट उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है या क्वेरीज है सो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझसे पूछ सकते हो, साथ में सजेशंस भी दे सकते हो कि मुझे और कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनिक स्टूडियोज, मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में हम लोग बनाने हैं या बनाने वाले हैं